दोस्तों यहाँ पे यार हमारे साथ में थोड़ी सी नाइंसाफी की गई है, देख सकते हो यहाँ पे ज्यादातर आपको पक्षी देखने को मिल जाएंगे। जो बर्ड्स हैं सभी गर्मी के कारण उस तरफ जा चुके हैं, लोग फोटोग्राफ वगैरह खींच सकते हैं यहाँ पे बैठ के। और यहाँ पे कुछ बर्ड्स की डिटेल वगैरह दी गई है, ठीक है दोस्तों, तो ये आप डिटेल वगैरह पढ़ सकते हो। एंड बाकी यार ये मूव भी करते हैं, देख सकते हो मूव करते हैं ये, तो इसका भी एंजॉय ले सकते हो और पढ़ सकते हो बर्ड्स के बारे में। ये बर्ड्स हैं तो इनके बारे में पढ़ सकते हो, किस तरह से ये जो बर्ड है डक टाइप है किस तरह से उल्टा उल्टा तैर रही है, गर्दन नीचे कर रखी है तो इस तरह से तैर रही है। और ये वाटरफॉल देख सकते हो यहाँ पे भी है। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग विद राज, एंड मैं हूँ राज। सो दोस्तों कैसे हो आप सब, आई होप बहुत अच्छे हो गए। सो दोस्तों आज अब क्या मैं बताऊं, आज हम लोग बहुत ही दिनों बाद आए हैं और अभी क्या है, मैं बर्ड पार्क के अंदर आ चुका हूँ, एंटर कर चुका हूँ गेट के अंदर, और अभी हम आगे की तरफ चल रहे हैं और टिकट वगैरह लेंगे, ठीक है दोस्तों, और सारा एक्सप्लोर करेंगे डिटेल वाइज कि अभी किस किस तरह की बर्ड्स होती हैं, किस किस तरह के जो बर्ड्स के चैम्बर होते हैं, उन बर्ड्स के चैम्बर में किस किस तरह का क्या क्या एनवायरनमेंट रहता है, टिकट क्या रहेगी, टाइमिंग, डे क्लोज, मतलब किस डे क्लोज रहता, सारा डिटेल में ये वीडियो रहेगी, ठीक है दोस्तों, तो बने रहे मेरे साथ में, ठीक है गाइज। और जाहिर सी बात है मैं हमेशा की तरह अपनी वीडियो में बोलता हूँ, अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों, अपने छोटे भाई को सपोर्ट कर देना, ठीक है दोस्तों, तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं और आपको आगे लेकर दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों, और लेके चलते हैं क्या कुछ नया आपको बर्ड पार्क में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली क्या है कि मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ बर्ड पार्क में, मेरे लिए तो नया एक्सपीरियंस है, ठीक है दोस्तों, और लेके चलते हैं आपको दिखाते हैं जी दोस्तों। तो इस तरह का कुछ आपको यहाँ पे नजारा देखने को मिलता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको एनिमल्स जानवर वगैरह देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का जो या बोर्ड कह सकते हैं या लकड़ी का या तो प्लास्टिक का ऐसा कुछ बोर्ड है, इसपे अलग अलग कलाकृति बनाई गई है अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो, ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया है, यूनिक सा है। और आप देख सकते हो यहां से लेकर कितनी दूर तक ये बनाया गया और रास्ता भी बनाया गया हुआ है बेहतरीन तरीके से, तो आप देख सकते हो इसको और एंजॉय कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। सो गाइज देख सकते हो थोड़ा सा हम आधा किलोमीटर के करीब अगर अंदर आते हैं तो हमको ये इस तरह का टिकट काउंटर मिलता है, और टिकट काउंटर मिलता है और यहाँ पे अगर टिकट की बात की जाए तो यहाँ पे टिकट जो है वो चिल्ड्रन की, जो 5 साल से 12 साल के बच्चे हैं वो उनकी टिकट जो है वो 30 रुपए की टिकट है, और जो अडल्ट हैं जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, बंदे हैं, बच्चे जो भी है, तो उनकी जो टिकट वगैरह रहेगी वो 50 रुपीज टिकट रहेगी। विंडो यहाँ पे 3 दी गई है, आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों, तो आपने ये टिकट काउंटर देख लिया है, टिकट घर देख लिया है, चलिए आगे दिखाते हैं हम आपको प्रोसीजर और टिकट वगैरह हमने ले लिए, ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। सो दोस्तों देख सकते हो आप ये चंडीगढ़ बर्ड पार्क का बोर्ड लगा हुआ है और ये एंट्री गेट है, कितना ही बेहतरीन और कितना ही खूबसूरत है, ठीक है, तो यहां से हम एंटर करेंगे। सो दोस्तों हम लोग अंदर आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं, आप देख सकते हो किस किस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो, तो भाई मैं तो पढ़ने वाला नहीं, आप पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों, और इस तरह के भी है कुछ बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं एंट्री करते ही, ठीक है दोस्तों, डिटेल वगैरह दी गई है और बेहतरीन रास्ता दिया गया है, और हमारे राइट हैंड साइड पे एक चैम्बर टाइप दिया हुआ है जिसके अंदर बर्ड्स हैं, और लेफ्ट साइड में भी दिया गया है, चलिए आगे करीब से दिखाते हैं आपको, ठीक है दोस्तों। एंड गाइस एक ये चैम्बर है, यहाँ पे
आपको दिख जाएंगे। फ्रंट साइड से मिरर वगैरह लगाया हुआ है और ताकि क्लियर दिख सके। बाकी साइडों से जालीदार सिस्टम लगाया हुआ है और दो ही विंडो दी हुई है यहाँ से देखने के लिए बर्ड्स को। ठीक है गाइस, और यहाँ अंदर पेड़ वगैरह लगा रखा, पेड़ में घर वगैरह इनके बनाए गए हैं प्रॉपर। गाइस दिख तो रहा नहीं है। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। तो भाई हमारे चंडीगढ़ वाला जो संदीप मिश्रा जी हैं आगे आगे चल रहे हैं, लीडर है ना, लीडर साहब हैं हमारे, और ये चल रहे हैं और हमें गाइड कर रहे हैं क्योंकि पहले आए हुए हैं। दुर्राटे काट रही है। ओ भाई देख रहे हो गाइस ये कितनी भारी जंजीर वगैरह लगा रखी है। और भाई यहाँ से तो भाई बर्थ वगैरह तो निकल नहीं सकती है, और एक नहीं दो दो प्रोटेक्शन दी लगाई हुई है यहाँ पे। एक ये भी है, यहाँ भी जंजीर वगैरह दी हुई है। तो भाई बहुत ही भारी है, बहुत ही स्ट्रांग है। छोड़ दो छोड़ दो, बच्चों के लग जाए। सो गाइज वाओ वेरी नाइस। तो गाइज देख सकते हो आप ये जो सेक्शन है गाइज, यहाँ जो है ना पहले आपने दो चैम्बर देखे वहां पे आपको अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ आप अपनी रियल आंखों से आई से देख सकते हो बर्ड्स को वहां पे फिर भी, बट कैमरे की आंखों से नहीं इतना अच्छे से देख सकते हो। बट इस सेक्शन के अंदर जो हम आए हैं आप देख सकते हो कि इस सेक्शन में आप कितने करीब से आप देखते हो बर्ड्स को, डक को आप करीब से देख सकते हो। ठीक है गाइस, चलिए मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। और वाटरफॉल भी है यहाँ पे, कितना ही बेहतरीन तरीके से मतलब कि बनाया गया है यहाँ पे, और डिटेल वगैरह बहुत ही अच्छे से दी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ डक की डिटेल वगैरह दी गई है। आप संडे का दिन है और कितना ही मतलब कि बहुत ही बेहतरीन मतलब भीड़ वगैरह भी हो रखी है, बहुत से लोग घूमने भी आते हैं, बहुत से लोगों को पता चल गया, बहुत से लोगों को नहीं भी पता चल रहा है। तुम्हारी वीडियो के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हो और आ सकते हो। और अगर आप चंडीगढ़ में नहीं हो, बाहर बैठे हो, हरियाणा पंजाब में कहीं बैठे हो, तो भी हमारी वीडियो के माध्यम से आप हर एक चीज देख सकते हो, चंडीगढ़ से रूबरू हो सकते हो। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो, देखिए कि कितने करीब से आप देखते हो, आप डक है, हंस है, आप इन सब चीजों को देख सकते हो, करीब करीब से आप इनको एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये छोटा सा यहाँ पे ब्रिज दिया हुआ है, ठीक है, और इसके नीचे से भी पानी पास हो रहा है, और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे वाटरफॉल दिया गया है, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है, यूनिक स्टाइल में बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है दोस्तों, सो गाइस और आगे हम चलते हैं। और यहाँ से यार बहुत ही बेहतरीन यार क्या वाटरफॉल बनाया गया है, और लोग सेल्फी वगैरह लेते हैं यहाँ भी। कुछ जो इस सेक्शन में जो मिलने वाला है, जो बर्ड है, डक है, जो भी है, उसकी डिटेल वगैरह दी गई है, और ये सारा सारा सेक्शन है। चलिए ये भी घुमाते हैं आपको, उससे पहले हम आपको वाटरफॉल दिखा देंगे जहां लोग खड़े होकर फोटोग्राफ्स खिंचाते हैं। और ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे लोग फोटो वगैरह खिंचाते हैं। ठीक है गाइस, तो और आगे आपको दिखाते हैं लेके चल के आपको। आप देख सकते हो ये भी इस सेक्शन में आपको वाटरफॉल नहीं मिलता है, सिर्फ वही वॉल वाटरफॉल मिलता है, बट इस सेक्शन में आपको इसके अंदर कहीं वाटरफॉल नहीं मिलेगा। बट इस तरह की कुछ बर्ड्स वगैरह देख सकते हो जो है यहाँ पे, और इस तरह का तालाब बनाया गया है, दिया गया है। ठीक है गाइस, और गाइस ये देख सकते हो यहाँ भी एक वुडन का पुल वगैरह दिया गया है, ब्रिज छोटा सा ब्रिज बनाया गया है, तो ये देख सकते हो। और यहाँ पे तालाब है जिसमें कि काई लगी हुई है, गिर मत जाना है इसमें कहीं गलती से। सो गाइज आपको इसमें बहुत ही कैमरे में शायद ना दिख रहा हो,
बट ये बहुत ही ज्यादा बड़ा यहाँ पे जो चैम्बर टाइप दिया गया है, बहुत ही विशाल चैम्बर टाइप दिया गया है, बनाया गया है। और दो चैम्बर है यहाँ पे, और इन्हीं चैम्बर के अंदर आप देख सकते हो कि कितना बड़ा चैम्बर है। इसी चैम्बर के अंदर ये बर्ड्स वगैरह सारी रहती हैं और बाहर नहीं जा सकती हैं, और उड़ के तो जाहिर सी बात है नहीं जा सकती, बनाया गया इन्हीं के लिए चैम्बर वगैरह। तो बट ये है कि अपनी इच्छा से कहीं भी किसी भी सेक्शन में जा सकती है अपनी इच्छा से। और एक ये सेक्शन आ गया गाइस, अब ये देख सकते हो, तो गाइज आइए आप लोग यार एंजॉय कीजिए। सैटरडे को टाइम मिलता है, संडे को टाइम मिलता है, बहुत ही बढ़िया यूनिक बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलती है आपको, तो बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट है। बट यार गर्मी बहुत ज्यादा है, अगर पॉसिबल हो सके तो शाम के टाइम ही आइए आप, 5 से 6 के बीच में आइए। बट इसकी जो टाइमिंग वगैरह है मैं आपको बता दूं, पहले जो 4 बजे की टाइमिंग थी, ठीक है, और मंडे ट्यूसडे क्लोज रहता था, मंडे ट्यूसडे तो अभी भी क्लोज रहता है, बट इसकी जो टाइमिंग जो है डेली की वो इंक्रीज कर दी गई है, जो पहले 4 बजे थी वो अब 6 बजे तक की कर दी गई है, क्योंकि गर्मियों का टाइम चल शुरू हो गया है, तो जाहिर सी बात है, तो इसलिए बर्ड पार्क डिपार्टमेंट ने जो है वो टाइमिंग वगैरह बढ़ा दी गई है। तो आप शाम को कोशिश करो शाम के टाइम आ जाओ यार, हम भी शाम के टाइम ही आए हैं, तो अभी अराउंड 5:30 बज रहा होगा, फिर भी देख सकते हो गाइस क्या पसीना वगैरह आ रखा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रखी है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो दोपहर का टाइम तो भाई बुरे हाल हो जाते हैं, तो उस टाइम तो आना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, बाकी आप देख सकते हो। और अगर बाहर से आते हो आप तो भाई पानी का इंतजाम करके रखना, बॉटल वगैरह लेकर आया करो, पानी की बहुत ज्यादा नीड होती है। सो गाइज इसको यार अच्छे से देख लीजिए यार, ये जो चैन नुमा ये जो गेट बनाए गए ना, चैन सिस्टम वाले गेट, बहुत ही यूनिक गेट बनाए गए हैं, और इसका मेरे हिसाब से जहां तक की जो यूज होगा, देखिए यहाँ पे आउट का दिया हुआ है, यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, और मेरे हिसाब से जो इसका यूज में लेने का जो पर्पस होगा, तो आई थिंक यही होगा कि यहाँ से बर्ड्स वगैरह जो है ना वो जाए ना, बाहर ना जाए, क्योंकि यही एक गेट है जो बर्ड्स हैं, डक हैं, वो बाहर जा सकती हैं। बाकी तो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा शेड से कवर हो रखा है, पूरा का पूरा जालीदार शेड बना रखा है, चैम्बर टाइप बना रखा है, तो कवर कर रखा है, तो बस एक यही गेट है, तो बहुत ही यूनिक है गाइज। और मैं आपको बताऊं ये हल्का नहीं है, ये गाइज अगर आप उठाओगे ना तो भाई बहुत भारी है, एक चैन कम से कम 1 किलो की है, 1 किलो के लगभग की चैन है एक, तो काफी भारी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इसके अंदर से बाहर निकलते हैं, हमारे साथी जा चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो हमें छोड़ जाएं, ठीक है दोस्तों। बहुत भारी है भाई को, सीरियसली बहुत भारी है, चलिए चलते हैं गाइज। दोस्तों बाहर आ गए हम लोग, इधर से हम लोग बाहर आए हैं, और अभी क्या है, अभी चलेंगे हम इस वाले में शेड में चलेंगे, इसमें देखेंगे इसमें क्या यूनिक है, ठीक है दोस्तों। और ये भाई साहब जो रास्ता दिया हुआ है ना, बहुत ही नीट एंड क्लीन है, जैसे कि आप गांव में देखोगे ना, जैसे कि गांव में जो महिलाएं होती हैं जो गोबर से लिपा पोती करती हैं, उस तरह से कुछ यहाँ पे उस बनाया गया, मतलब लिपा पोती करके उस तरह का दिया गया, आप देख सकते हो, जैसे गोबर से लिपा पोती करके रास्ता गांव का बनाया जाता है, उस हिसाब से बनाया गया, ठीक है दोस्तों। और आगे ये सेक्शन आ जाता है, यहाँ पे लोग फोटोग्राफ वगैरह खींच सकते हैं यहाँ पे बैठ के, और यहाँ पे कुछ बर्ड्स की डिटेल वगैरह दी गई है, ठीक है दोस्तों, तो ये आप डिटेल वगैरह पढ़ सकते हो। एंड बाकी यार ये मूव भी करते हैं, देख सकते हो मूव करते हैं ये, तो इसका भी एंजॉय ले सकते हो और पढ़ सकते हो बर्ड्स के बारे में, ये बर्ड्स हैं तो इनके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह कुछ है इंटरेस्टिंग, चलिए आगे चलते हैं। और एक ये भी है, ये भी घुमा के आप बर्ड्स के बारे में रीड कर सकते हो डिटेल वगैरह, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आपको अंदर लेके चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो गर्मी बहुत ज्यादा है, और गर्मी से निजात पाने के लिए लोगों के लिए यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है 50 रुपीज में, यार ये तो बनते ही है, पंखा वगैरह दिया हुआ है, अच्छी बात है, लोग थोड़ा सा राहत पा सकते हैं, पंखे वगैरह दिए गए हैं, लोग गर्मी में
बहुत गर्मी आप देख सकते हो भाई। ये संदीप मिश्रा जी है, तो आज हम लोग दोनों ब्लॉग शूट कर रहे हैं, हम आए हैं तो मैं नहीं कर रहा, मैंने बंद हो, मेरा हो गया ये इनका हो गया, ये बहुत तेज है तो इनका हो गया, बट अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं अभी कर रहा हूँ, कैरी कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यार एक काम करो, पहले सबसे पहले ना ये वर्मा साहब का जो सब्सक्राइब बटन है ना उसको तोड़ दो यार, तोड़ दो। और अभी नया अपडेट आया है यार, अब तो उसको और इंटरेस्टिंग लगेगा वो प्रेस करने में, क्या दबाने में ऐसे ऐसे। नहीं नहीं, सो दोस्तों यहाँ पे यार हमारे साथ में थोड़ी सी नाइंसाफी की गई है, देख सकते हो यहाँ पे यार रस्सियां वगैरह लगा दी गई हैं और आगे जाके आपको बर्ड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी, बट इतनी दूर से यार क्लियर दिख नहीं रहा गाइस। सो गाइस देख सकते हो ये वाला सेक्शन क्या है, यहाँ पे आपको सूखे पेड़ ही पेड़ दिखेंगे और इस वाले सेक्शन में आपको बर्ड्स और यहाँ पे बड़े बड़े पैरट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो इस तरह के कुछ बर्ड यहाँ पे कलरफुल जो पैरट होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे आपको, बहुत ही बढ़िया है। और इनके लिए बहुत ही अच्छी चीज जो है ये पंखे वगैरह भी लगा रखे हैं भाई, इनको भी गर्मी लगती है भाई क्योंकि सारा दिन धूप वगैरह होती है, और भाई ये भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, इनके अंदर भी जान प्राण है, तो इनको भी भाई गर्मी लगती है, तो इनके लिए भी फैसिलिटी बहुत जरूरी है, तो इसलिए प्रशासन ने इनके लिए पंखे वगैरह लगा रखे हैं, बहुत ही बढ़िया है, अच्छी बात है। और जरूरी नहीं कि इनके लिए लगाए हुए, पब्लिक के लिए भी लगाए गए हैं, मैंने आपको जैसा कि पीछे दिखाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया है, तो मैं आपको इधर से दिखाता हूँ गाइस, ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अगर आप अपनी रियल आई से देखोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा आपको, बहुत ही अच्छा लगेगा, बट कैमरे की नजर से देख लो फिलहाल के लिए। ठीक है दोस्तों, सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे कैसे मतलब के लोग जो भी बर्ड्स वगैरह हैं यहाँ पे उनके लिए घर वगैरह कितने बेहतरीन तरीके से घर वगैरह बनाए गए हैं, बहुत ही बढ़िया है, और अरेंजमेंट इनके लिए दिया गया है, मतलब कि इनकी हैबिट के अकॉर्डिंग मतलब एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की गई है बर्ड पार्क वालों की तरफ से, तो बहुत ही बढ़िया है, यूनिक है। और मेरी तरफ मेरे पीछे आप देख सकते हो कि कितना ही बेहतरीन गार्डन है, बट आप अंदर नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है ऐसे अंदर जाना, और आप देख सकते हो ये यहाँ पे रस्सियाँ वगैरह लगी हैं, तो जिसके आगे आप अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ वही जा सकते हैं जो यहाँ के जो भी केयरिंग करते हैं, केयर टेकर वगैरह हैं, वही अंदर जा सकते हैं जिनको अथॉरिटी है जाने की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे दिखाते हैं। सो गाइज अभी सेक्शन में आ चुके हैं, इस सेक्शन में मैं आपको बताऊं, आप इस सेक्शन में यहाँ से एंटर करते हैं, और यहाँ से एंटर करने के बाद में और आपको दिखाऊं मैं, तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि आप अपने हाथों के ऊपर, अपने हैंड्स के ऊपर रख के फोटोग्राफ्स खिंचवा सकते हो। ठीक है गाइज, जैसे कि आप वो खड़ा हुआ पर्सन देख सकते हो कैसे है, उसने शोल्डर पे रख के फोटो खिंचा रहा है, बट उसके अलग से चार्जेस होते हैं, जो भी 100-150 रुपये अलग से चार्ज होते हैं। ठीक है, ये उनके लिए गाइस। ठीक है दोस्तों, सो दोस्तों अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, इस वाले चैम्बर से बाहर आ चुके हैं, और अभी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ मिलता है देखने के लिए, और कुछ इंटरेस्टिंग है कि नहीं है आपको जरूर दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं, देखते हैं क्या यूनिक सा दिखाई देता है। ठीक है गाइस, तो भाई सही बताऊं तो उतना मजा तो नहीं आ रहा, क्योंकि यार पता क्या, गर्मी हो रही है, गर्मी में यार एक तरफ पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, और दूसरी तरफ देखने में भी मतलब एंजॉय भी करने में मजा नहीं आ रहा, मजा सा नहीं आ रहा, तो बाकी आप देख लो, आपके सामने ही है, बट जब खुद आओगे, खुद एक्सपीरियंस करोगे तो आपको आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा। ठीक है गाइज, एंड गाइज हम लोग थोड़ा सा और आगे आए हैं, यहाँ पे आपको कैंटीन देखने को मिलेगी, थैंक्स फॉर विजिट का ऊपर बोर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और ये सामने आपको कैंटीन वगैरह देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आप कुछ भी ड्रिंक वगैरह, कोई स्नैक्स वगैरह, कोई फूड वगैरह खाना चाहते हो
और थोड़ा सा बैठना चाहते हो तो आप यहाँ पे रेस्ट वगैरह ले सकते हो। ठीक है गाइज, तो बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह के कुछ टेबल वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे और ये यहाँ की कैंटीन है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बोला यहाँ पे कैंटीन है, तो यहाँ की कुछ रेट लिस्ट वगैरह है, मैं आपको दिखा दूँ किस तरह का फूड वगैरह यहाँ मिलता है। तो ये कुछ रेट लिस्ट है, तो आप देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो कि भाई किस तरह का यहाँ का फूड होने वाला है। और भाई 20 वाली चीज 40 रुपए में तो नहीं मिलने वाली है, तो उस तरह का कुछ आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। ठीक है गाइस, सिटको का बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, द वुड कैफे का यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है। तो इस तरह कुछ कैंटीन कह लो या वुड कैफे का वो रेस्टोरेंट टाइप देख सकते हो। बाकी ये शॉप वगैरह भी है। ठीक है गाइस, छोटी सी शॉप वगैरह है, टी शर्ट वगैरह लगा के रखी हुई है भैया ने यहाँ पे, तो ये भी देख सकते हो। ठीक है गाइस, जी गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हो एक्जोटिका करके एक शॉप है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो भी बर्ड पार्क से रिलेटेड या फिर बर्ड से रिलेटेड चीजें जो भी हैं, अगर आप एनिमल लवर हो और या फिर बर्ड लवर हो, तो जाहिर सी बात है उनसे रिलेटेड चीजें आप ले सकते हो यहाँ पे, और लोग लेते भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या कुछ मिलने वाला है चलिए देखते हैं, और उन कुछ चीजों के मैं प्राइस भी आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो माइंडसेट करके आप उन सब चीजों को ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। सो गाइज, हम शॉप पे आ चुके हैं, ये भैया है यहाँ पे, दो भैया हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये इस तरह बर्ड सेल बर्ड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको मेटल के ऊपर जो स्टक हो जाते हैं उस तरह के मैग्नेटिक चीज होती है ये, तो आप उस पे लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये आपको 90 रुपीज का मिलेगा, आपको सिर्फ 90 रुपए का। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, ये स्केल पजल स्केल होता है। ठीक है दोस्तों, आई लव चंडीगढ़ बर्ड पार्क, और यहाँ पे कुछ एनिमल्स जो अपने बर्ड्स के कुछ पिक्चर्स है यहाँ पे, और बेसिकली ये बच्चों के लिए है, तो आप इनको भी ले सकते हो, और ये भी 90 रुपीज का आपको पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और भैया इसका क्या प्राइस था? ये 265, ये 265 के 6 पीसेस मिलेंगे जो कप के नीचे रखे जाते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और ये इस तरह के कुछ कप वगैरह हैं यहाँ पे, तो ये 250 का है, कितने का है भैया? ये 250 रुपए का आपको इस तरह के कुछ कप मिल जाएंगे। इसका डिजाइन वगैरह मैं आपको एक ये दिखा देता हूँ गाइस, और ये इस तरह का कुछ भी डिजाइन है। ठीक है दोस्तों, और ये 370 रुपए की एक बॉटल है, बहुत ही लाइट वेट है, आप ये भी देख सकते हो और यहाँ से परचेज कर सकते हो। ठीक है गाइस, यहाँ से अगर टी शर्ट लेते हो, बर्ड से रिलेटेड जितनी भी है टी शर्ट है, सारी बर्ड से रिलेटेड है, आपको प्रिंटेड टी शर्ट वगैरह मिल जाएंगी 490 रुपीज की आपको पर टी शर्ट मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो इस तरह की यहाँ पे छोटी सी शॉप है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेम चीज यहाँ पे भी रखी हुई है, डिस्प्ले की गई है, मग वगैरह है, कप वगैरह है। ठीक है, और बॉटल वगैरह। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और है सर, ये आप बताइए की रिंग है कितने का है? 45 रुपीज का है। ठीक है गाइस, तो आपने देख लिया यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह देख लिया। ठीक है गाइस, और आप आके कंफ्यूज मत होना, और नाम से बिल कटा हुआ ये भी देख सकते हो। ठीक है गाइस, सो गाइस फाइनली इस वीडियो में इतना ही। तो आप देख सकते हो अभी कैंटीन के पास ही हम लोग बैठे हुए हैं, और जो भी खाना पीना था हमने खा लिया है। ठीक है दोस्तों, और बताओ मैं आपको, अगर वीडियो वगैरह अच्छी लगती है मेरी तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से रिलेटेड वीडियो वगैरह बनाता रहता हूँ, ब्लॉग वगैरह शूट करता रहता हूँ। ठीक है गाइस, तो ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके बाय बाय।